अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल लेके इंसान जॉब कंसल्टेंसी पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, इससे आपको एक फ़ायदा होगा। फ्यूचर में जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जान सकेंगे हमारे पास क्या वैकेंसीज हैं। तो चलिए आगे बढ़ते आपको वैकेंसी के बारे में बताते हैं। वैकेंसी के बारे में बताने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है और आप भी को भी जानना ज़रूरी है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से हमारे पास, आप भी देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो आप देख रहे हैं बहुत सारा वैकेंसी जो है डायरेक्ट कंपनी से आ रहा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, जर्मनी का, कुवैत का, ओमान का, दुबई का। ये सारी वैकेंसी जो मैं लाता हूँ मैं, तो मैं अपने मन से नहीं बनाता हूँ और उतना टाइम नहीं है कि मैं इस तरह की वैकेंसीज बनाने में इतना टाइम वेस्ट करूँगा। ये वैकेंसी जो है कंपनी वेबसाइट से, कंपनी के पोर्टल से डायरेक्ट पोस्ट होती है। वो लोग खुद अपना वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं और उसके बाद वो हम तक पहुंच जाती है, तो हम ढूंढते हैं, निकालते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। तो ये इसी है और इसमें कोई फेक नहीं है और कोई जाली नहीं है। हाँ, ये बात है कि आप इसमें अगर अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इसका प्रॉपर प्रोसेस समझना होगा। आपको किस तरह से अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले चीज़ कि आपका जो जो भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, अरे गेरे को ये रिस्पांस नहीं करेगी। ये हमारे जैसे भी कंसल्टेंसी नहीं है कि जो आपको अरे गेरे को आप मेल कर दिए, चाहे फ़ोन कर दें, उठा लें, बात कर लें, मेल कर दिए, जब आप भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो समझ जाएंगे कि ये बंदा कितना क्वालिफाइड है, इस जॉब के लिए है या नहीं। वो लोग सेम जॉब वाले को ही ढूंढते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक चेफ़ है, ठीक है, एक चेफ इंडियन कुजीन में है, तो इंडियन कुजीन का चेफ को ही वो देखेंगे। और जो वो प्रोफेशनल होगा बंदा, इंडियन कुजीन का चेफ का प्रोफेशनल होगा, 4 साल 5 साल की एक्सपीरियंस होगी, तो डॉक्यूमेंट्स खुद ही उस तरह से भेजेगा कि उसे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद कंपनी उसको रिस्पॉन्स करेगी। और जो अरे गहरे होंगे, जिसको भी मर्जी जिस तरह चाहे फ़ोटो खींच के भेज दो, चाहे किसी तरह से भेज दो, तो उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो उनको लगता है फेक है। तो ये कहानी वैसी हो गई जैसे कि एक लोमड़ी होता है, जंगल में जाता है, अंगूर लटकता हुआ देखता है, उसे बहुत पसंद आता है, और उछल उछल के उसको तोड़ने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है, और जब उसको नहीं मिलता है तो बोलता है कि अंगूर खट्टा है। तो सेम वही जो है हमारे कुछ व्यूवर के साथ है। व्यूवर्स बोलिए या हमारी वीडियो की तरक्की को देख के पसंद नहीं करने वाले बोलिए, हेटर्स बोलिए, जो भी हो, उन मैं देख रहा हूँ चार पांच बंदे ही रोटेट हो रहे हैं। और इस तरह की कमेंट्स भी, और मतलब कि मैं भी इंसान हूँ यार, कभी देखता हूँ सुनता हूँ तो बुरा लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए टाइम निकालता हूँ, अब वीडियो डिटेल्स निकालता हूँ, उसको अब वीडियो बना के डालता हूँ। तो इतना आसान नहीं है YouTube पे वीडियो बनाना और उसको रन करना, जितने लोग आसान समझते हैं। और YouTube भी इतना पैसा नहीं देता है कि जिससे मेरा पूरा घर परिवार चल जाएगा और मैं गाड़ी बंगला लेके घूम रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वैकेंसीज को देखिए, आपको नॉलेज होगी। मैं जानता हूँ आप जर्मन नहीं जा सकते, कनाडा नहीं जा सकते, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, लेकिन आने वाले दिन में फ्यूचर में कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार जाएगा, तो उसको इस तरह की वैकेंसीज देख के नॉलेज होगी कि हाँ वहाँ पे किस तरह की वैकेंसीज होती है, कौन से ब्रांडेड कंपनीज हैं, कि एक कंपनी क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको उस वैकेंसीज के जरिए। ज़रूरी नहीं है कि जब मैं वैकेंसीज डालता हूँ तो सिर्फ आपको उसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की ही ज़रूरत हो, उसमें दिया हुआ कंपनी का नाम उसको पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में जो वो जॉब्स की डिटेल देते हैं कि बंदा को कैसा बंदा चाहिए उसको भी पढ़ें। मैं बहुत टाइम दे के उसको 30 सेकंड बता रहा, 30 सेकंड से ऊपर तक एक एक डिस्क्रिप्शन को स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो उसको पढ़ें, स्टॉप कर लें वीडियो को, पढ़ें, समझें कि कंपनी को किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह के आदमी चाहिए। तो कभी फ्यूचर में अगर आपको जाना हो, आप कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जर्मन जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जहाँ पैदा हुआ वहीं पर रहना चाहते हैं। हर आदमी को शौक है कि अपनी दूर अच्छे से अच्छे जगह जाके अच्छे से अच्छी कंपनी के साथ मिलकर काम करें। तो मेरा वीडियो डालने का वही मकसद है। ये तो पहला चीज़ होगी, ठीक है, कि आपको उस वीडियो से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ हो गया
कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप क्वालिफाइड हैं। एग्जाम्पल, मैंने मैनेजर का पोस्ट डाला, उससे मैनेजर में क्या रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर डिग्री मांग रहा है या MBA डिग्री मांग रहा है वो देखिए, कितनी साल के एक्सपीरियंस मांग रहा है, बंदा कहाँ का होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए, आउट ऑफ कंट्री होनी चाहिए, कहाँ का होना चाहिए। एग्जाम्पल, जर्मन का है तो ब्लू कार्ड होल्डर होना चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा पर है या लीगल वर्क परमिट है उस पर होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें तो क्या से आपको नॉलेज मिलेगी कि हमारे पास जो मैं वीडियो देख रहा हूँ इकेंसन जॉब कंसल्टेंसी पे, जो इतनी मेहनत करके इतना टाइम निकाल के अपनी वीडियो की वैकेंसीज नहीं डाल के और अदर्स वैकेंसीज डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? ज़रूरी नहीं कि वो मैं ऐड के लिए या कुछ के लिए डाल रहा हूँ। अगर मैं अपनी वीडियो को प्रमोट करूँगा, चलाऊँगा, तो मैं ऐसे ही कमा सकता हूँ। मेरे पास अभी आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा वीडियो है। 1000 से ज़्यादा वीडियो पर अगर ऐड चलेगी तो कितना कमा सकता हूँ मैं? तो वो कमाने की बात नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आपके साथ मैं शेयर करके खुद भी सीखता हूँ और आप तक भी पहुँचाता हूँ। तो उससे आपको नॉलेज होगी कि वहाँ पे किस तरह की वैकेंसीज होती हैं, आप बहुत सारे फ्रॉड से, बहुत सारे उल्टे सीधे लोगों से बच सकेंगे। एग्जाम्पल, आपको कोई बोलता है कि चलो कनाडा में तुमको प्लम्बर की जॉब दिला देता हूँ, चलो कनाडा तुमको मैं होटल मैनेजमेंट की जॉब दिलाता हूँ, अरे पढ़े लिखे नहीं तो क्या, विजिट वीजा निकाल के देते, पहुँचा देते आपको, वहाँ काम मिल जाएगा। तो उस तरह से आपको देखने से, कनाडा की वैकेंसीज देखने से पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह की वैकेंसी चलती है। तो ये बात, सारी बातें हमारी वीडियो में रहती हैं, ये समझना, इसको खोज के निकालना आपका काम है। वीडियो देख लेना और उसको पास कर देना सिर्फ मतलब नहीं होता है। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें अच्छी क्या है, बुरी क्या है, उसमें फ़र्क समझना ही आपका अपना नॉलेज है। हर चीज़ आदमी हर वीडियो में मैं इस तरह के भाषण दे दे के वीडियो को 30 मिनट 35 मिनट का नहीं बना सकता। आपके पास भी उतना टाइम नहीं कि हमारी वीडियो को 30 मिनट 35 मिनट बैठ के देखें, 2 से 3 मिनट ही देख लेते, वही बहुत बड़ी बात है। तो हर वीडियो में इस तरह के भाषण के साथ साथ मैं वीडियो को परसेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जो लोग समझते हैं कि जर्मन का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का जो वीडियो वैकेंसीज में डाल रहा हूँ वो फेक है या नहीं है, मुझे जो खुद डाउट होता है, मैं जो भी कंपनी होती है इसको मैं पहले वेरीफाई करता हूँ, देखता हूँ कि इस कंपनी का जो एड्स आया है, ये वैकेंसी चल रहा है, ये कंपनी है या भी नहीं, वो कंपनी का जो लोकेशन है, उसका जो एड्रेस है वो सेम है या नहीं है, उस कंपनी में जॉब है या नहीं। अगर मैं भी मेल भेजता हूँ इंक्वायरी करने के लिए तो मुझे भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी इंक्वायरी करने के लिए आपको बैठ के एंटरटेनमेंट करेंगे। वहाँ से जो उनके लिए सुटेबल कैंडिडेट होगा वो उस पर अप्लाई कर लेंगे। और दूसरी वो कि मैं एक कमेंट्स भी मैं पढ़ा हूँ जिसमें लिखा था कि आप जो वैकेंसी डालते हैं या आप वैकेंसी जो ला रहे हैं उसमें एक ही वैकेंसी दिखाता है, लिखा हुआ जो है वैकेंसी एक। तो वो एक बहन है जो मुझे मैसेज की थी व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको ये रिप्लाई देना चाहता हूँ कि वो वैकेंसी एक नहीं होती है, वो एक फॉर्मेट है। अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं या कुछ ये करेंगे तो उसमें एक ऑप्शनल जगह होती है जहाँ पर आप एक भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं, 15 भी डाल सकते हैं। तो एक इसलिए डाल देते हैं कि बस एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए एक डाल दिए हो गया। अगर जो बंदा अप्लाई करेगा, मैं समझ रहा हूँ जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर हैं या जो इस तरह के काम करने वाले, वो डॉक्टर के जॉब के लिए, चाहे फिजिकली ये के लिए, नर्स के लिए, इस तरह की जो वैकेंसी हाई पोस्ट की जो वैकेंसी होती है उस पर नहीं अप्लाई करेंगे, अप्लाई मत कीजिए, लेकिन वीडियो को देखिए, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इलेक्ट्रिशियन है तो आपका बच्चा भी इलेक्ट्रिशियन ही हो, बाप ड्राइवर है तो बेटा भी ड्राइवर ही हो। आगे की सोचिए, आगे की सोच के नॉलेज रखिए। नॉलेज इंसान की ऐसी चीज़ है जो कोई छीन नहीं सकता है। इस विषय पे यही वीडियो आज मैं आप लोग के लिए बनाना चाह रहा था। मैं सोचा संडे को लाइव आके आपको बताऊंगा, लेकिन नहीं, मैं वीडियो बना देता हूँ जहाँ तक इन लोगों को पहुँचेगा और देख सकेंगे तो समझ सकेंगे। तो वीडियो जो भी आती है उसको देखें, देख के आपके सुटेबल के लाइक की है तो आप उस पर अप्लाई करें। आप अपना प्रोफाइल देख लें कि मेरा प्रोफाइल मैच हो रहा है कि नहीं, उस पर आप अप्लाई करें। अगर नहीं मैच हो रहा तो आपके दोस्त यार जो ऐसे लोग हैं तो उनके पास शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका पहला भी वीडियो डाला और उसमें आप अप्लाई कर दे और उसमें आपको जॉब मिल जाए, कंपनी बहुत सारी चीज़ें देखती भाई मेरे, ऐसे ही जॉब नहीं मिलता, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। और कंपनी इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन में आइटम डालती है लिख कर, उसके पास उतना टाइम नहीं, को फेक वाले भी ऐड पे इतना मेहनत करेगी, बात को समझिए। और जो आसानी से मिल जाता है ना, उसको आदमी समझता है कि ये असली है, अब बाद में पता चलता है उसी में चूना लग गया इंसान को। तो प्लीज़ मेहरबानी करके
कुछ बोलने से पहले, कुछ लिखने से पहले सोचिए। मैं जानता हूँ कि मेरे से कुछ लोग बहुत खफा हैं, बहुत नफरत करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ ऐसा, क्योंकि हर आदमी पसंद नहीं करेगा। आप किसी को खुश करोगे तो कोई किसी को दुख होगा ही, आप हर आदमी को खुश नहीं कर सकते। जब ऊपर वाला हर आदमी की हर मुराद नहीं पूरा करता, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं जितना कोशिश करता हूँ अपने से अच्छा करने की उतना करता हूँ, जिससे जो लोग खुश हैं वो खुश हैं, अगर जिसको तकलीफ़ है तो उनको भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी अच्छा ही समझे मेरे लिए, अच्छा ही बात करे, अच्छा ही सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ आदमी पसंद भी करेंगे, कुछ नापसंद भी करेंगे, ये दुनिया का दस्तूर है। ज़्यादातर जो हमारे मुस्लिम रिकाज के लोग हैं, उन लोग को ही अच्छी नहीं लगती है, जो कि कोई मुस्लिम बंदा जो अपना बंदा ही आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी टांग घिसते हैं। ये हमारे कास्ट में है, ऐसा ही है मुस्लिम कास्ट में। मैं मुस्लिम की बुराई नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। मैं अपने अगल बगल के लोग, आजू बाजू के लोग, रिश्तेदार, दूर से लोग, सबको मैं देखता हूँ, सबको परखता हूँ। मैं अभी इस दुनिया में नहीं आया हूँ, मैं बहुत सी दुनियादारी देखा हूँ, अब बहुत जगह घूमा हूँ, बहुत जगह काम किया हूँ, बहुत जगह काम दिया हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज तक मुझे मिले भी नहीं है, मेरे बारे में कमेंट्स करते हैं कि ये बंदा कैसा है। अरे भाई, इंसान को पहचानने के लिए उसके साथ वक्त बिताना पड़ता है। और रहा मेरी वीडियो के बारे में बात, तो वीडियो देखिए, आपको मेरे पास जितनी कैपेसिटी है काम करने की यूट्यूब पर, मैं उतना काम करूँगा। किसी को देखने नहीं देखने पसंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पसंद करता है उनका ही वेलकम, जो नहीं पसंद करता है उनका ही वेलकम। जो प्यार करेंगे वो दिल में रखेंगे, जो नफरत करेंगे वो दिमाग में रखेंगे, कहीं ना कहीं तो मैं रहूँगा ही। तो चलिए, अगर किसी को बुरा लगा होगा मेरी इस बात से, तो तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे। अब किसी को मेरी बात पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, कि लोग समझें और जानें कि वीडियो जो फेक होती है, अगर आपको पता चले, एग्जांपल आपको पता चला कि आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, तो आप काम मत करो ना, छोड़ दो वहीं पे, उससे आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करेंगे आप प्रोसेस आगे? क्योंकि मैं एक एक जो वैकेंसीज पे अप्लाई करके उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। वेरीफाई करने का एक ही तरीका होता है, कंपनी जीनियन है या नहीं है, उसकी एड्रेस मैच हो रही है या नहीं, ईमेल आईडी वगैरह मैच हो रहा है, बस इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं उसमें जॉब नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको जॉब अप्लाई करके उसे लास्ट सेंडिंग तक वेरीफाई करूँगा, इन्वेस्टिंग करूँगा, तो वैसा नहीं होता दोस्त। और वीडियो देखिए, उससे अप्लाई नहीं करें तो उससे आपको नॉलेज मिलेगी। जो जो खुशी से देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो नफरत से देखते हैं मुझे, उनको भी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर आदमी मोहब्बत करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ आदमी नफरत भी करें तभी मज़ा आता है। खाना हमेशा मीठा मिले तो आदमी को शुगर हो जाएगा, तीखा भी मिलना चाहिए। नफरत करने वाले का भी वेलकम, अब प्यार करने वाले का भी वेलकम। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में तो वैकेंसीज के बारे में मैंने नहीं बताया, आने वाले वीडियो में वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, उससे आपको ये फ़ायदा होगा फ्यूचर में जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, आप जान सकेंगे हमारे पास क्या वैकेंसी। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।